अब हम चलते हैं अपने कैरियर काउंसलिंग सेशन की तरफ। कैरियर काउंसलिंग क्या होती है? फ्यूचर बताना, कैरियर में फ्यूचर काउंसलिंग समझाना। एक बच्चे मुझे, कई बच्चे मिले अलामा मेडिकल कॉलेज में हाउस जॉब के दौरान कि हम बहुत परेशान हैं, हमें कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, यहाँ चपरासी वाले काम करवा जाते हैं डॉक्टर से, पीजी की कोई इज्जत नहीं है, पीजी भी 30 आवर की ड्यूटीज करता है तो हमें वो कहते हैं कोई इज्जत नहीं है, तो सैलरी भी कम है। और देखें ये सारी ना नेगेटिव बातें हैं, जो खुद टेंशन लेता है दूसरे को टेंशन देता है। कोशिश करें टेंशन लेने वालों से दूर रहें, ऑटोमेटिकली आपकी टेंशन कम हो जाएगी। और अपने आप को मोटिवेट किया करें, जो लोग खुद मोटिवेटेड हैं, करेज हैं, खुश रहते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उनके साथ रहा करें। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो अच्छे लोगों की कंपनी में रहें। और जो स्ट्रेस में जाते हैं उनकी काउंसलिंग करें, दूसरे को मोटिवेट करने से, दूसरे की काउंसलिंग करने से अपने आप को खुद बड़ी मोटिवेशन मिलती है, कभी करके देखिएगा। अब देखें वो जो बातें करते हैं जी, ड्यूटी बड़ी लंबी लंबी 30 आवर की ड्यूटी होती है, तो देखें पूरी दुनिया ही करती है, पूरा पाकिस्तान, दुनिया की पूरा पाकिस्तान करता है ये ड्यूटीज। और आप हॉस्टल में जाएंगे आपको पता लगेगा कुछ लोग हंस खेल के करते हैं, उनकी 28 आवर्स ड्यूटी गुजर भी गई हो, 2 घंटे लगे हंस खेल रहे होते हैं, और कुछ होते हैं वो उनकी 6 घंटे के बाद उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बल्कि सुबह 2 घंटे के बाद गुस्सा आना शुरू हो जाता है। क्यों? उनको पता होता है कि वो बस एक घर से माइंडसेट लेकर आते हैं, 30 घंटे की ड्यूटी है यार, कैसे करनी है, ये क्या सिस्टम है, ये क्या फजूल बात है, फजूल काम है ये। तो एक अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, सिस्टम में तो रहने रहना अगर रहना है तो। और इस उम्र में टेंशन लेने का फायदा क्यों नहीं? अभी आप टेंशन ले रहे हैं, हाउस जॉब आपके जाके 5 साल बाद जाके स्टार्ट होनी है, तो इन चीजों को अपने जहनों से निकाल दें। ये मैं इसलिए इसको लेक्चर को लिया, हालांकि बड़ी बात बात ही बातें हैं, बच्चे इसको अभी से सोचना शुरू हो जाते हैं, इसकी टेंशन लेना शुरू हो जाते हैं। जो बड़े सेंसिटिव बच्चे होते हैं वो बेचारे फिर डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, कईयों को मेडिसिन भी खानी पड़ती है, कईयों को इंड्रोल खानी पड़ती है अपनी पैल्पिटेशन के लिए। पैल्पिटेशन होता है टैकीकार्ड, मतलब किसी धड़कन तेज हो रही है, हालांकि उसको कैसे पता चलेगा तेज हो रही है, वो तो हमने चेक करनी है कि हार्ट रेट कितना है, पल्स रेट कितना है उसका, 100 से ज्यादा है कि नहीं। तो वो असल में पैल्पिटेशन बता रहा होता है उसको फील हो रही है। जब कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुल हो जाती है फिर उस पेशेंट को फील हो रही होती है, तो आपने इस चीजों से बचना है। मैं आप इससे कैरियर काउंसलिंग से तो है ये, एक्चुअली ये मोटिवेशनल लेक्चर होता है ये, इसमें बच्चे को मोटिवेशन दी जाती है। देखें मैंने आपको 4 मेन पॉइंट्स बताए हैं कैरियर काउंसलिंग के। पहला तो USMLE कर लें, आपकी USMLE यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, ये एग्जाम दे के ही आप वहाँ पे मेडिकल लाइसेंस आपको मिल सकता है यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में वैसे नहीं मिल सकता आपको USA में। इसके लिए पढ़ना क्या क्या होता है? कैप्रन पढ़नी होती है, फर्स्ट एड पढ़नी होती है, बुक है, कैप्रन भी बुक है, कैप्रन के लेक्चर्स भी होते हैं साथ, और साथ में यूबर्ड के एमसीक्यूज मिलते हैं, 1 लाख के मिलते हैं ऑलमोस्ट, वो आपने परचेज करके वो आपने सॉल्व करने होते हैं। वो पहले स्टेटमेंट देगा, फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस देगा, ऑप्शन में से फिर आपने जब ऑप्शन का करेक्ट आंसर आपने सॉल्व कर लिया, अब आप चाह रहे हैं करेक्ट आंसर आपको पता लग जाए, आप क्लिक करेंगे आपको करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी आपको। फिर वो हर ऑप्शन एक्सप्लेन करेगा ये जो एक्सक्लूड किए हैं वो क्यों एक्सक्लूड कर दिए हैं, और जो सेलेक्ट कर लिया वो क्यों सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, यू वर्ड MCQ, ये यू वर्ड होता है, USMLE का वर्ड है MCQ उसका। फर्स्ट एड बुक होती है, बहुत अच्छी बुक है, इतनी थिक बुक होती है, ये अपने भी पढ़ेंगे तो खैर है, लेकिन जिन बच्चों ने अपने कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे बनाने होते हैं ना वो फर्स्ट एड साथ पढ़ते होते हैं। इसमें होता है कि एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल एंडोक्राइनोलॉजी है, इसमें सबसे पहले वो आपको इसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएगा शॉर्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद वो आपको इसकी एनाटॉमी पढ़ाएगा, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद उसी की पैथोलॉजी, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट। तो ये पूरा एक चैप्टर चल जाइए, आप एक दफा पढ़ लें तो आपके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हो जाते हैं। ये बहुत हाई लेवल के बच्चे पढ़ते थे, मतलब जिन्होंने एक तो फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लिया हुआ है, ये आपको कैरियर काउंसलिंग अभी को दे रहा हूँ, आप फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड करें, कोशिश करें, डिसीजन ले लें, चाहे 100% ना हो लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी हो या 70% प्रोबेबिलिटी हो कि हमें यही करना है MLE, प्लैब, FCPS वगैरह। तो जिनको पता था हमें MLE करनी करनी है तो फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट ईयर पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज्यादा लोग थर्ड ईयर में ही MLE शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि फर्स्ट ईयर से ही आप देखें, अभी इतनी आप मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, आपके रिफ्लेक्सेस हार्डवर्क वाले बने हैं, तो कोशिश करें हार्डवर्क वाले रहने, आपको बेनिफिट होगा, आपसे कितने लोग फायदा उठाएंगे। जब आप अच्छा पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ाएंगे, अपने क्लास फेलोज को, सेकंड में जाएंगे तो जूनियर्स को पढ़ाएंगे, कितना लोग फायदा लेंगे, स्टूडेंट वेलफेयर होगी। MLE पहली ऑप्शन है, MLE को मैंने नंबर 1 पे रखा है सिर्फ इसलिए कि इसमें पेमेंट आपको बहुत, वहाँ पे फी बहुत अच्छी, पेमेंट बहुत अच्छी मिलती है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, 8 लाख पर मंथ तक मिलती होती है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे लोग आएंगे, बदतमीज किस्म के लोग नहीं आएंगे, यहाँ पे FCPS करेंगे पाकिस्तान में जिना में म्यू में बदतमीज किस्म के झगड़ा किस्म के घटिया जाहिर किस्म के लोग आते हैं, नर्सिस को फीमेल को भी इतनी बख्शते, कुछ ऐसे बात नहीं आते हैं वहां पे, ऐसे नहीं होता, मोस्टली एजुकेटेड लोग आते हैं, समझदार
नहीं है, कहाँ यहाँ पे महीने की 1 लाख महीने, 7 लाख का डिफरेंस है। कहाँ वहाँ पे आपकी मोस्टली 6 या 12 आवर की ड्यूटी होती है, और यहाँ पे 30 30 आवर की ड्यूटी करनी है। जमीन आसमान का फर्क। कहाँ वहाँ पे आपके नंबर लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स आने हैं, कहाँ यहाँ पे जिना में पावर रखने की जगह नहीं होती इमरजेंसी में, इतने पेशेंट आने हैं। ओके, हेल ऑफ डिफरेंस दोनों में। तो इसलिए USMLE को लोग बहुत प्रेफर करते हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन मसला ये कि इसके लिए कम से कम भी आपको 20 25 लाख चाहिए होता है, इस पे खर्चा आता है। इसलिए गरीब बच्चे फिर इसको छोड़ना शुरू कर देते हैं, इसको एक साइड पर रख देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो थर्ड ऑप्शन, क्योंकि प्लैब के लिए पैसा चाहिए होता है ऑलमोस्ट 15 20 लाख, उसके लिए भी चाहिए होता है मिनिमम भी। और फिर बच्चे क्या कर फिर वो क्या करते हैं, फिर वो FCS की तरफ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, या फोर्थ पे जाते हैं मेडिकल ऑफिसर की तरफ, यार मालदीव में जाके पैसा पुसा कमाएंगे फिर वापस आके यहाँ पे FCS कर लेंगे, या वहीं पे रहेंगे पूरी जिंदगी। ऐसे भी लोग करते हैं, मालदीव और मिडिल ईस्ट में सैलरी अच्छी मिलती है एज अ मेडिकल ऑफिसर, MBBS किया उसके बाद डिग्री मिल गई आपको जॉब के बाद, अब आप मेडिकल ऑफिसर बन चुके हैं, आप एक RMP है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, उसकी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मालदीव में आपको 2.5 लाख सैलरी मिल जाती है, जो भी अच्छी खासी रिलैक्स होती है। मिडिल ईस्ट का मतलब ये अरब कंट्रीज जो हैं जिनके पास बहुत पैसा है, कतर है, दुबई है, सऊदीया है, ये सारे, इन सबके पास अच्छा खासा पैसा है। तो ये भी ऑलमोस्ट 3 लाख 3.5 लाख पाकिस्तानी जो है वो देते हैं, पे करते हैं। ये ड्यूटीज भी काफी रिलैक्स हैं, लोग भी काफी अच्छे हैं, तो लोग भी इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, वो MLE प्लेट छोड़ के इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। हालांकि इसमें सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप ये रास्ता चूज करके मेडिकल ऑफिसर वाला, मालदीव मिडल ईस्ट वाला, फिर आप MLE तरफ जाए। मतलब आपके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं होता, आप मालदीव और मिडल ईस्ट में जाके 2 3 साल गुजारे, वहां पे पैसे जोड़े, आप 20 25 लाख सुकून से जुड़ जाता है 2 सालों में। मेरे सीनियर बता रहे थे उन्होंने तो 18 लाख 1 साल में जोड़ लिया था मालदीव जाके ना, 2 साल 2 ईयर्स वहां पे रहे, अब भी बेनिफिट होंगे आपको वहां पे रहने के। लोग कहते हैं टाइम जाया हो रहा था, कुछ नहीं होता, अब जिसे वहां पे कब्र तक बुढ़ापे तक इल्म हासिल करो। तो मुसलमान और ईसा की बातें करें तो ईमान की कमजोरी होती है वो इसमें होता है। देखिए आपने 2 साल आपने अच्छे गुजार लिए, तो 2 साल आप वहां पे रहेंगे, आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट मिल रही है, रिलैक्स इन्वायरमेंट मिल रही है आपको, नंबर ऑफ पेशेंट लिमिटेड है, आप रिलैक्स होकर पेशेंट चेक करते हैं। अब क्या होगा, साथ साथ आपको पढ़ने का टाइम अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे 3rd ईयर ड्यूटी करके आप क्या पढ़ लेंगे, हर 4th डे पे 5th डे पे तो आपकी कॉल होगी। 3rd ईयर ड्यूटी करके कितना अच्छा पढ़ लेंगे आप, वहां पे आप 6 आवर ड्यूटी करनी है, बाद में आपने रिलैक्स होकर स्टडी करनी है, अपना वहां पे MLE पढ़े आप, आपको पूरे 2 साल में 2 साल है, 6 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है बस, 8 घंटे करनी पड़ रही है, वो अपनी मर्जी होती है, 12 आवर की भी कर सकते हैं, उसमें सैलरी ज्यादा मिलती है फिर, तो वो कर रहे हैं, साथ साथ आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। आप इजीली MLE कर लेंगे, टाइम भी मिल जाएगा, पेमेंट भी मिल जाएगी, 2 साल बाद आप अमेरिका में रहेंगे, अमेरिका की सारी इन्जॉयमेंट करेंगे जो मैंने आपको पहले बता दी है। तो वहां पे डिग्री लेकर वापस आएंगे तो लोग कहेंगे ये डॉक्टर साहब, तो आप फखर से लिखेंगे ब्रैकेट में USA कि मैंने ये स्पेशल USA से की हुई है, या UK लिखेंगे ब्रैकेट में कि मैंने किंग यूनाइटेड किंगडम से की है। MLE अमेरिका के लिए होती है, प्लैब जो है वो UK के लिए होता है, वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम है। तो प्लेबल के भी MCQs होते हैं, प्लेबल पढ़ने पड़ते हैं, साथ ही लेक्चर सुनने पड़ते हैं और बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, ये होता है। और थर्ड ऑप्शन होती है, ये दोनों पहली अच्छी ऑप्शन हैं, तीसरे नंबर पे जाके रखना होता है FCPS। FCPS पाकिस्तान की डिग्री है, फेलोशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान, ये स्पेशलाइजेशन है। हाउस जॉब के बाद शुरू होती है, 5 साल लगते होते हैं, कुछ पैसे 4 साल में भी होती हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सिर्फ रखिए, जाहिर बात है एनवायरमेंट बहुत खराब है यहाँ की, सैलरी भी कम है, ड्यूटी ज्यादा है, और ट्रेनिंग भी उस लेवल की नहीं होती यहाँ पे जो जिस लेवल की अमेरिका में या UK में होती है, ठीक है जी। जिस इसको थर्ड ऑप्शन पे रखा है, और ये उनके लिए ज्यादा जो, या तो जिनका पढ़ने को इतना दिल नहीं करता, क्योंकि MLE वगैरह में बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता है आपको, अच्छा खासा टक्का आगे पढ़ना पड़ता है, जिनका स्टैमिना कम है वो FCPS करते हैं, ये जिनके फैमिली इशूज हैं वो FCPS करते हैं कि इनकम वगैरह इतनी नहीं है। लेकिन अब मैंने आपको हल बता दिया, इनकम ना भी हो तो आप कर सकते हैं। फोर्थ है मेडिकल ऑफिसर, वही होता है कि किसी ने को कहता है मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, लेकिन पैसा कमाने का बड़ा दिल करता है, तो फिर मेडिकल ऑफिसर बन के तो मालदीव में मिडल ईस्ट में पूरी जिंदगी गुजारते हैं और अच्छी खासी पेमेंट लेते हैं। इसी को तो हम आम जुबान में ब्रेन ड्रेनेज कहते हैं, कि MBBS यहाँ पे करते हैं, गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पे लगता है, 40 50 लाख MBBS जो है वो 1.5 2 लाख में करते हैं, और बाद में पूरी जिंदगी वो मालदीव वगैरह में गुजारते हैं, UK उसमें कतर वगैरह में गुजारते हैं, फायदा खुद यहाँ से लिया होता है, बाद में उनको देते हैं फायदा, पाकिस्तान का नुकसान करते हैं, इसी को ब्रेन ड्रेनेज कहते हैं। फिफ्थ ऑप्शन भी रखी जा सकती है कि आप मेडिकल ऑफिसर वहां ना बने, एक बड़ा ही बेचारा नॉन मोटिवेटेड सा बंदा है, वो फिर क्या कहता है मैंने वहां भी नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान में रहना है फैमिली के पास, और यहीं पे एज अ मेडिकल ऑफिसर जिंदगी गुजारूंगा, अब मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर बन जाऊंगा, इवनिंग में प्राइवेट क्लिनिक करूंगा। ये भी एक अच्छी ऑप्शन होती है पैसे कमाने के लिहाज से, आप इवनिंग में नंबर ऑफ पेशेंट बहुत अच्छे चेक करते हैं, तो बहुत अच्छी आपकी इनकम बन जाती है, ठीक
ठीक है जी। तो बाकी आप जो जो क्वेश्चंस आपने पूछने होंगे वो आप कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर देंगे।